देखने का। मेरे प्यारे भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कल हमारे साथ कुछ बुरा हो और ये बात मैं आपको बता ना सकूँ। मेरा नाम नजमुन परवीन है, मेरे वालिद साहब का नाम शाहिद हुसैन है। मैं डींगरपुर, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं 1 फरवरी 2019 को अपने घर से अपनी मर्ज़ी से खुद निकल कर आ गई। उसके बाद मैंने बाहर आकर ग़ुलाम रब्बानी एहलादपुर को फ़ोन कर दिया। उसके बाद हम लोग मुंबई के लिए रवाना हो गए और वहाँ पहुँचकर हमने एक इस्लामिक मदरसे में शादी कर ली। उसके बाद जब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो वहाँ मेरी पेशी 8 फरवरी 2019 को मेरी पेशी होनी थी, तो कोर्ट के बाहर मुझे मेरे परिवार वालों ने मेरा जबरन अपहरण करने की कोशिश और मुझे और मेरे शोहर को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हमें इलाहाबाद पुलिस ने बचा लिया और कोर्ट में मेरी पेशी हो गई है इलाहाबाद पुलिस की मदद से। लेकिन FIR जो कि कुछ सपा नेताओं की कहने पर मेरे शादी होने के 5 दिन बाद दर्ज कराई, जिसके कारण मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है और कोर्ट ने मुझे FIR रद्द करते हुए 11 फरवरी या 12 फरवरी को बुलाया है। और मेरे परिवार वाले और कुछ किराए के गुंडे इलाहाबाद कोर्ट के आसपास पहरा दे रहे हैं और मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं कोर्ट में पेश हो सकूं। मेरी आयु 24 वर्ष है, मैं बालिग हूं और अपने बारे में सोच सकती हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी पूरी मदद की जाए। मुझे किसी भी अधिकारी के पास जाने नहीं दिया जा रहा है और मैं यहाँ पर छुप कर बैठी हुई हूँ और मेरे सारे रास्ते बंद कर रहे हैं वो लोग, जिससे कि मैं बहुत परेशान हूँ। हमारी मदद करो, हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते और हमारा निकाह हो चुका है कानूनी और हम इस्लामिक शरीयत की तरफ से मियाँ बीवी हैं।